मोहरम को लेकर पंचायत समिति सभागार फलोदी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एडीएम हाकम खान की अध्यक्षता में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। फलोदी में शांति और सद्भावना के साथ मोहरम मनाने को लेकर पंचायत समिति सभागार फलोदी में स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शांति समिति की एक बैठक आयोजित कर ताजिया जुलूस गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी रास्तों से निकालने को लेकर निर्देशित किया गया। इस दौरान एडीएम हाकम खान ने कहा कि ताजिया जुलूस समय पर निकालकर शहर की व्यवस्थाओं में सहयोग करने को लिए निर्देशित भी किया गया। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, डीएसपी रामकृष्ण सिंह मलिंडा, थाना अधिकारी राकेश कुमार खेलिया सहित शांति समिति के सदस्य व जैन समर्पण सेवा ग्रुप की मीनाक्षी गुलेच्छा उपस्थित रही। फलोदी के प्राचीन तालाब रानीसर की मुंडेर स्थित शिव मंदिर में श्रावण के अंतिम सोमवार आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वेद पाठियों द्वारा रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। फलोदी के प्राचीन तालाब रानीसर की मुंडेर स्थित शिव मंदिर में श्रावण के अंतिम सोमवार को मंदिर महंत लूणकर्ण व्यास के सानिध्य में यजमान दीनदयाल जोशी नगर पालिका पार्षद द्वारा वेद पाठियों के मुखारविंद से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित करवाकर भगवान शिव की लिंग पर दूध व जलाभिषेक किया गया। इस दौरान फलोदी शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं की दिन भर रेलम्पे लगी रही। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल पहलवान, कांग्रेस के फलोदी विधानसभा प्रत्याशी रहे महेश व्यास, पार्षद अशोक व्यास व पार्षद दीनदयाल जोशी उपस्थित रहे। शिक्षा में नवाचार लाकर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहली प्राथमिकता देने को लेकर ग्राम विकास विज्ञान समिति के तत्वावधान में ग्राविश उपकेंद्र बाप में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज किया गया समापन। ग्राम विकास विज्ञान समिति जोधपुर के अधीन संचालित विद्यालयों के 25 से अधिक अध्यापकों के ग्राविश उपकेंद्र बाप में चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन किया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर महितोष ने अध्यापकों को कहा कि शिक्षा आज के युग में बेहद आवश्यक हो गई है। हमारी संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों में हम कुछ नवाचार कर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करें। बदलते तकनीकी युग में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व अधिक होता जा रहा है। हम बालकों को इसका ज्ञान देना आवश्यक हो गया है। हमारी निष्ठा से कार्य करने की सोच विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर संजू सिसोदिया ने विद्यार्थियों और शिक्षक संबंध पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे आत्मीय भाव के कारण बच्चों का विद्यालय में ठहराव अधिक होगा। हम सेवा के साथ भावना से काम करें। सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश खत्री ने कहा कि छात्रों को ऊंची उड़ान का लक्ष्य जरूरी होता है। हम लक्ष्य बड़ा रखेंगे तभी सफल होंगे। जीवन में कुछ करने के लिए मन से मन योग से कार्य करें। संस्था में ऐसे स्थानों पर विद्यालय संचालित कर रहे हैं जहां निर्धन परिवार निवास करते हैं। संस्था उन बच्चों तक शिक्षा की अलख जगा रही है। हमें उस अलग को भरपूर सहयोग भी देना है। 2 महिला टीचर्स को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। बाप के नवनियुक्त उपखंड अधिकारी मांगीलाल सोथार का विभिन्न सामाजिक संगठनों ने किया अभिनंदन व स्वागत। नवनियुक्त उपखंड अधिकारी सोथार ने कहा हर फरियादी के साथ होगा न्याय। बाप उपखंड अधिकारी मांगीलाल सोथार द्वारा पदभार ग्रहण करने पर लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा उनका मुंह मीठा करवाकर स्वागत व अभिनंदन का सिलसिला जारी है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी, सीमाजन कल्याण समिति, लघु उद्योग भारती, सोलर सेवा, भारत विकास परिषद, भाजपा ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा, विश्वकर्मा एकता फोर्स सहित कई संगठनों ने स्वागत व अभिनंदन किया। सुथार ने कहा कि क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई आव भगत में बहुत खुश हूं और प्रभावित हूं। मैं हर फरियादी के साथ न्याय करूंगा। क्षेत्र की जो भी समस्या मेरे ध्यान में लाई जाएंगी अथवा मुझे लगेगा उसका समाधान निष्ठा के साथ करूंगा। इस दौरान उद्योगपति बहुलाल राठी सावरा गांव, भारत विकास प्रकल्प प्रमुख मूल सिंह मोडरडी, कांग्रेस नेता नंद किशोर ओम राठी, समाज सेवी विजय कुमावत, सीमाजन कल्याण समिति जिला अध्यक्ष अखिराज खत्री, शिक्षाविद मांगीलाल संदरसा इंदा, एडवोकेट बहुलाल सुथार, बोमराज सुथार, हरीश कानासर, सांगा राम सुथार, बीजेपी नेता मुन्ना राम सुथार, जिला अध्यक्ष मुरलीधर तंवर, युवा नेता सुरेश खत्री, मांगीलाल पालीवाल, खीव सिंह सिसोदिया, पत्रकार कविकांत सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फलोदी के कुंडल गांव स्थित एक ट्यूबवेल से जीरा चोरी मामले में 4 गिरफ्तार आरोपी चितनराम धनाराम कालूराम को कुंडल फलोदी से व रूपाराम को बावला मथाने से फलोदी पुलिस ने किया गिरफ्तार।
जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना फलोदी क्षेत्र से जीरा चोरी के एक प्रकरण में आरोपी चेतनराम पुत्र नेनाराम, धनाराम पुत्र नेनाराम, कालूराम पुत्र कृष्णाराम को कुंडल फलोदी से व रूपाराम पुत्र मंगलाराम को बावरला पुलिस थाना मथानिया से आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार पीड़ित नंदकिशोर पुत्र धूड़ाराम माली निवासी बग्गा ने पुलिस थाना उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि दिनांक 2 अप्रैल 2022 की रात्रि मेरे खेत में बने ट्यूबवेल के पास से 3 कट्टों में भरा करीब 90 किलोग्राम जीरा कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गए, जिस पर फलोदी पुलिस द्वारा 124/2022 धारा 379 IPC के तहत मामला दर्ज कर गहनता से जांच शुरू की गई, जिस पर पुलिस ने चारों आरोपियों को उनके विभिन्न ठिकानों से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।